हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ चंद्रकला गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें हम मावा डाल देंगे, कोकोनट का पाउडर डाल देंगे, इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है, चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इलायची का पाउडर डाल देंगे, एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और साथ में सुगंध भी आएगा। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, अच्छे से मिला लेंगे। और इसी के साथ हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, ये आधा किलो मैदा है तो इसमें लगभग हम 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और अब हल्का हल्का सा पानी डाल करके हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं, जैसा कि आप रोटी या फिर पराठे के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही। ऑयल मिक्स हो चुका है तो यहाँ पे हम हल्का हल्का पानी ऐड कर ले रहे हैं। ये देखिए आटे को एक जगह मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले मिला मैदे को गूंद लिया है यहाँ पर मैंने, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चंद्रकला गुजिया बनाना। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैदा ले लिया है, इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे और घोल तैयार कर लेंगे साइड के किनारों को सील करने के लिए। घोल रेडी है, इसको हम साइड में रखेंगे। स्टफिंग ले लेते हैं। यहाँ पर मैदे की मैंने 1 लोई ले ली है, इसमें सूखा जो मैदा है वो लगा लेंगे और यहाँ पे इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बेल लेना है। एक गिलास या फिर कटोरी ले लीजिए और इस तरीके से इस पर निशान लगा लीजिए। इसको हम निकाल लेंगे, एक को हम साइड में रख देंगे, हल्का हल्का सा इसको हम बेल लेंगे। बीच में यहाँ पे हम स्टफिंग डाल देंगे। हमने जो घोल तैयार किया है उसे साइड के किनारों में लगा लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर एक और बेले हुए पीस को हम डाल देंगे, इस तरीके से इसको प्रेस करके दबा लेंगे। हाथों में उठा लेंगे और अब जिस तरीके से आप गुजिया को मेटते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से फिंगर की सहायता से इसे मेट लेना है। ये देखिए और ये देखिए एक छोटी सी प्यारी सी चंद्रकला गुजिया यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जितना बड़ा आप गिलास लेंगे उतनी बड़ी गुजिया यहाँ पे तैयार होगी, तो जितना बड़ा आपको तैयार करना है उतनी बड़ी कटोरी या फिर गिलास यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी को हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ये देखिए सभी चंद्रकला को यहाँ पे मैंने सेव दे दिया है और अब एक एक करके सभी को हम यहाँ पे डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्राई होने देते हैं। अब एक एक करके सभी को हम पलटेंगे इस तरीके से। गुजिया और चंद्रकला गुजिया ये दोनों चीज़ें होली और दीपावली की फेमस रेसिपी है, हम लोग ज़रूर बनाते हैं, तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो इसको क्रिस्पी होने तक यहाँ पे फ्राई करना है लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारी जो चंद्रकला गुजिया है उसका जो रंग है यहाँ पे गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाशनी को बना करके मैंने रखा हुआ है, चाशनी की क्लिपिंग मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि चाशनी आपको सेम टू सेम वैसे ही बनानी है जिस तरह से आप कोई भी मिठाई बनाते हैं ना, रसगुल्ला वगैरह बनाते हैं या फिर जलेबी वगैरह के लिए बनाते हैं, तो एक तार से कम वाली जो चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही चाशनी यहाँ पर आपको बना करके रेडी करना है। तो इसको हम फ्राई होने देते हैं, अभी गोल्डन कलर नहीं आया है बिल्कुल भी हमारी चंद्रकला गुजिया का। तो ये देखिए अब जो हमारी चंद्रकला गुजिया है उन सबों का एक प्यारा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इन सबों को अब यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं
सारी चंदकर गुजिया को यहाँ पे मैंने बाउल में डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे जो हमने चाशनी तैयार किया है, तो चाशनी में हल्का सा फूड कलर मैंने डाला है ऑरेंज कलर का, तो उससे क्या होगा कि चंदकर जो गुजिया है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सभी चाशनी को मैंने गुजिया में ऐड कर दिया है। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है ताकि चंदकर गुजिया के अंदर जो है अच्छे से चाशनी चली जाए, उससे हमारी जो गुजिया है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे बनी है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में। तो चंद्रकला गुजिया यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो अब हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे दही भल्ले।